राम राम यूट्यूब फैमिली, आज का ये व्लॉग मैं सुबह के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और लगा रही हूँ ऊपर से एक मिनट। और आज ना बहन जी और मैंने सुबह सुबह ही कपड़े वॉश कर दिए। मेरे तो वहाँ पे हैं, शायद आपको पता नहीं दिख रहे होंगे या नहीं, उस तार पे। और बहन जी अभी धो रहे हैं, ये धुल गए हैं। जिन्होंने मुझे बोला कि जब आप कपड़े वॉश कर लो ना तो मेरे रूम से और फ़ोन लेके आना, क्योंकि उन्होंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, तो इसलिए। और आप बहन जी, आप ऊपर ही कपड़े सूखने डाल रहे हो? अच्छा। और बहन जी ने वो वॉश कर दिए कपड़े, यहाँ पे रखे। ये कब सूखने डालने आपने? अच्छा, मैं आपसे पहले आ गई कपड़े धो के। दो ही भी आ गई। हंस क्यों रहे हो? और गाइज, कल रात को तेज आंधी और तूफान चला हुआ था, बारिश तो नहीं हुई या थोड़ी थोड़ी सी हुई? बारिश भी हुई, थोड़ी थोड़ी सी हुई होनी, थोड़ी ये रहा नहीं पता, पर भी हो गई ठीक ठाक। और हम सोच रहे हैं जो गेहूँ कल हमने बरामदे में सूखने के लिए डाली थी, वो वाली गेहूँ आज फिर से सूखने डाल देते हैं। पर बहन जी मना कर रहे हैं क्योंकि धूप अभी तक आई नहीं और बारिश का भी कुछ पता नहीं है। किस वजह से नहीं की बहन जी? हाँ, किस वजह से की? मम्मी जी ने आज बोला ही नहीं कि गेहूँ डाल देना सूखने, तो हम डाल देते हैं। लेकिन धूप तो आ गई, देखो ऊपर लग रही है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि गाइस रात को भी ना बारिश आ गई थी अचानक से, और तूफान ना आंधी तूफान भी, तो रात को उठानी पड़ी हमें गेहूँ। हमें तो नहीं, मासी जी ने उठाई, मैंने तो नहीं उठाई। बहन जी आपने? मैंने भी। आपने भी नहीं उठाई? तो अब देखते हैं, वैसे हल्की थोड़ी सी धूप अगर और आ जाएगी तो फिर हम इसको सूखने डाल देंगे, ठीक है बहन जी? और उस दिन ना मैंने दिखाया नहीं था व्लॉग में ना, मैंने एलोवेरा के फूल जो होता है ना वो ऊपर, पता है आपको, उसका पकौड़ी बनाया था, पकौड़ी मतलब। गाइज आप कमेंट करके बताना, जो एलोवेरा के ऊपर एक फूल लगा हुआ उसका है ना, आपने उसकी पकौड़ियाँ खाई है या नहीं? अगर आपने नहीं खाई होगी तो हम आपको दिखाएंगे, पर अब पता नहीं कब लगेगा वो वाला फूल। एक बार ही लगता है बहन जी, एक बार ही लगता है, ये बार बार लगता है ये फूल। हाँ रख दो ये, नहीं एक थी नहीं, कणक पर पैनी पायरे उस साइड। और गाइस हम ना गेहूँ को कणक भी बोलते हैं, हमने बताया था कभी गाइस को? कणक नहीं बताया है हमने ना। और मेरे कपड़े यहाँ पे, तो ना हमने सोचा पहले गाय को ना खाना दे आते हैं, उसके बाद अगला काम करते हैं, मतलब स्टिचिंग। और यहाँ की गेहूँ ना किसी ने काट ली है, बाहर हाँ। पकड़ो आप रोटी पकड़ो। और आज ना हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, इस वाले हमारे घर वाले रास्ते से। चिंबड़ जी आए, चल दे ती, चलो तो आप भी ना अपनी भैंस को ऐसे धुआं लगाया करो, घर भी है आपका ऊपर, वो भी धुएं में हो जाएगा। आ गया भी तरे सूट कुण। लकड़ियां कहाँ पर रखी है? मुंह फसा को उसी भी काटना है थरे। चल चल तू चल। तो ना पहुंच गए हम घर ना, अब थोड़ी सी ना स्टिचिंग कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। खोल दो मैं जी, खोल रहे हैं जो रंग दबता ये हाड़ी, खोल दे फिर मिलते हैं आपसे। मैंने एक सूट स्टिच कर दिया ना, उसके बाद मैं ना इस वाले सूट की ना कटिंग लग पड़ी करने। ये वही वाला सूट था जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया था हाँ, लेकिन उन्होंने बोला ना स्लीव्स छोटी कर, हाँ आप बाजू ना छोटी कर दो अगर इसमें टोक है तो। और हमने बोला क्लिप ले लेते हैं, गाइस को दिखाते हैं कि हम सूट कट कर रहे हैं। और अम्मा जी बोल रहे हैं ना हवा आ जाएगी फिर से, बोला क्योंकि मैं कट कर रही हूँ और हवा आ रही है ना, वो कपड़े को इधर उधर कर दे रही है। और बहन जी नहीं कर रहे हैं सूट कट, वो स्टिच कर रहे हैं अंदर।
चलो तो मासी जी मुझे लगता है ना वो कणक गेहूं लग पड़े सूखने रहा सूखने रहा हम तो अच्छे से रख रहे थे पर मासी जी ऐसे रख रहे हैं उल्टे सीधे मैं गलाया हम तो अच्छे से रख रहे थे पर मासी ये रखी गया उल्टी सीधे मैं गलाया है तो ढंग ने रखी क्या है ना पर मासी ना उल्टे सीधे रखी गए तो और दाल चावल नहीं खाएंगे सबसे पहले शक्कर घी और चावल खाएंगे पहले बहुत सारा घी डालेंगे हाँ और इसमें आलू बड़ी है ना और इसमें मसूर की दाल चावल दे कर आओ बाहर हाँ बाहर मेहमान बैठे हैं शाम का व्यू अनवी कहाँ जा रहे हो बेंची आज भी बबुआ जी ना गेहूं को कूट रहे हैं वहां पर हमने कब कूटने हैं नहीं लग पड़ो वैसे तो यहाँ पे लगती थी और यहाँ पर ना ये मजी ना ये गेहूं के जो टुकड़े टुकड़े बच गए हैं ना इनको जला रहे हैं खेत साफ कर रहे हैं हाँ खेत साफ कर रहे हैं अनवी खेतरो तो नहीं चल रही अनवी खेतरो चल रही नहीं आग बाड़ी है किसी ने बाड़ी है आग हम बाहर देखने आए थे कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है लेकिन और शोर भी था यहाँ पे क्योंकि सब इन्होंने आग जलाई इस टाइम काम करने के लिए और ज़्यादा धूप नहीं है इस टाइम अनवी ने यू टर्न ले लिया या इसको दिखा देती है हम क्या बोल रहे हो मासी जी क्या सिल रहे हैं मशीन में कपड़े सिल रहे हैं अच्छा क्या बोल रही है? और गाइस आपको बता देना हमारे मम्मी जी और मासी जी ना अपने भले टाइम में मैडम थे ऐसे बोलते हैं आपको हाँ सरकारी स्कूल में ना कॉलेज या कुछ था हाँ वहाँ पे ना सिलाई सिखाते थे सिलाई गवर्नमेंट जॉब थी उनकी लेकिन उन्होंने छोड़ दी थी शादी के बाद यहीं कक्कड़ में और मासी जी की पता नहीं कहाँ लगी थी जॉब पता नहीं कहाँ पर थी दोनों की और ना किसी ने कमेंट किया था ना कि हिमाचली ना किसी भी चीज़ की सब्जी बना सकते हैं तो वो तो है बना सकते हैं और आज आपको ना एक नई सब्जी दिखाएंगे बहन जी हाँ दिखानी दिखाती वो वाली वो सब्जी ना आपने देखी नहीं होगी वो शायद ये कक्कड़ और रूटपुर में ही मिलती है आपके यहाँ नहीं मिलती होगी शायद हाँ दिखाते हैं फिर और उसका नाम बता दें जब दिखाएंगे ना तब नाम भी तभी बताएंगे चलो तो लेके आते हैं रुको खेत दिखा देते हैं कितने खाली हो गए गाइस देखो लोगों ने ना गेहूं भी काट ली पूरे साफ हो गए अब ना सभी अपने खेतों में ना ये काला काला जो दिख रहा है अब गोबर फेंका करेंगे सभी अपने खेत में अब सारे खेत काले हो जाएंगे गोबर से हाँ जोरों शोरों से चला हुआ है काम गोबर हमारा खेत वो केले का जो पौधा लगा हुआ है वहाँ पे तो नहीं है नहीं नहीं उससे नीचे इतने तो बुआ देखे पता बुआ का खेत रही केले वाला जो है ना बुआ जी वालों का खेत है उससे नीचे है हमारे खेत और आम देखो गाइस आप ना बार बार आम नहीं दिखाया करो अब हम तभी दिखाएंगे हम जब वो बड़े हो जाएंगे ठीक है चलो तो चलते हैं अब चलो तो आओ जल्दी आओ अब अंधेरा आ रहा है सारे लोग खेत तो जा रहे हैं मासी जी क्या लाएगा तुम्हें क्या ला रहा करना अच्छा मासी जी सिल रही हैं बहन जी का सूट सिल
मैं सब्जी बाहर निकालती हूँ, बाहर धोनी आप चलो और पपीते। ये हमारे पेड़ के पपीते हैं घर के, पक गए ही अभी, हर चल के पकड़े हैं अभी। सब्जी कोई रखी थी कुछ मम्मी, जाओ आप पूछ के आओ। सब्जी कोई रखी है अभी नहीं दिखानी, बाहर दिखाएंगे। ये रेडियो की सब्जी, ये वाली सब्जी बना रहे हैं आज हम। आ जा और ना आप कमेंट में बताना ना कि आपने ऐसी सब्जी खाई है कभी, खाई होगी बहन जी उन्होंने। आपने बाहर बनानी है ये सब्जी है? आपने बाहर बनानी है ये सब्जी? यहाँ पे है? यहाँ पर की कहाँ बनानी? तो फिर आप बाहर क्यों लाए इसको? ऐसे बोलो, बाहर क्यों धो रही हो? नहीं, आप बाहर क्यों लाए सब्जी को? हमने सोचा ना, आपने तो बोला था कि लाइटिंग अच्छी नहीं होती अंदर ना इसलिए। नहीं मैं बोल रही हूँ ना, आप गाइस को बोलो कि मैं धोने के लिए लाई ये सब्जी। अच्छा, मैं धोने के लिए लाई ये सब्जी। हाँ, अंदर भी धो सकती थी लेकिन अंदर लाइटिंग अच्छी नहीं होती है ना इसलिए। और ना हम रेसिपी भी बताएंगे आपको कि ये सब्जी कैसे बनती है। यूट्यूब फैमिली आप कमेंट करके बताना आपने ये सब्जी खाई है, ये देखी है कहीं आपने ये वाली सब्जी। और बहन जी बोल रहे थे ना, मुझे लगता है ये ड्राई फ्रूट भी होते हैं ये इस वाली सब्जी के ड्राई फ्रूट, क्योंकि ऐसे ऐसे ना हमने ड्राई फ्रूट भी खाए हैं तो कहीं बोई तो नहीं है ये, पर ये तो नहीं होने वाली वैसे थोड़ी है ना। है वो तो मीठे होते हैं, वैसे थोड़ी है ये, देखने में लग रही है बस। खट्टे मीठे नहीं, मीठे होते हैं। और गाइज हम ना आपको इसकी रेसिपी भी बताएंगे हम इसे कैसे बनाते हैं, और अगर आपने खाई है तो आप कमेंट में बताना, और ये भी बताना है कि आप कैसे बनाते हो इस वाली सब्जी को। और बहन जी सब्जी धोने लग पड़े, और इस साइड ना गर्मियों के टाइम में हवा बहुत अच्छी चलती है ठंडी ठंडी, दूसरी साइड हमें ना गर्मी लगती है, पर इस साइड इतनी गर्मी नहीं लगती। धुल गई, अब इसको ना मैं बॉईल करने डाल दूंगी ना, और उसके बाद जब मैं तड़का लगाऊंगी तब दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे बनाई मैंने सब्जी ना बहन जी। और कितनी अच्छी हवा चली है बहन जी यहाँ। हाँ बॉईल बोला मैंने गाइस को। हाँ, और खेतों के काम भी खत्म हो गए, अब तो खेतों में भी काम नहीं बचे। तो ना सब्जी तो मैंने बॉईल होने के लिए रख दी ना वहाँ पर इंडक्शन पर, अभी से ना 10-15 मिनट लगेंगे होने के लिए, तब तक मैं सोच रही हूँ ना कि स्टिचिंग कर लूँ। बड़बड़ा रहे हो क्या कर रहे हो? फिर से बोलो भाई जी, प्लीज बोलो। नहीं गलती से आप एडिट कर देना ये। नहीं एडिट नहीं क्यों? और गाइस मैं ना ये वाला सूट स्टिच कर रही थी जो मासी जी से काम था, जो सुबह मैंने जिस सूट की कटिंग की थी। पहले मुझे मासी जी के बारे में मुझे बोलने दो फिर बताती हूँ। जिस सूट की मैंने सुबह कटिंग की थी ना वो वाला सूट कर रही हूँ स्टिच। मासी जी के बारे में बताओ वैसे? नहीं बताऊँ। और मैं सोच रही हूँ ना कि स्टिचिंग रहने देती हूँ, पहले ना तुरपाई कर लेती हूँ सूट को। देखो एक कुर्ती ये मेरे पास तुरपाई करने के लिए, एक ये वाली कुर्ती है, दूसरी जो मैंने अपने लिए सूट स्टिच किया था ना ये वाला, इसकी भी एक कुर्ती। हमें छोड़ के कहीं खेती तो नहीं चलेगी? तो ना मैं सोच रही हूँ कि मैं ना सभी कपड़े तो जल्दी जल्दी स्टिच कर लेती हूँ लेकिन तुरपाई के लिए हमेशा ही रह जाती हैं, तो इसलिए पहले इनकी साइड जो है ना फोल्ड कर लेती हूँ। तो ना मैं ऊपर वाले फ्लोर में जा रही हूँ साइड फोल्ड करने के लिए ना, और पहले ना बारिश का मौसम हो गया था और अभी फिर से धूप आ गई। सभी अपने गेहूँ को ना घर ले जा रहे हैं ताकि वो गीली ना हो जाए। और ये हमारी नई वाली टंकी, हमारी पुराने वाली टंकी थी ना उस वो ना लीकेज कर रही थी, अभी नई नई ली थी लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसको, तो इसलिए हमने नई टंकी लाई। तो ना मैं साइड फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक सब्जी भी हो जाएगी।
तो ना सब्जी बॉईल हो गई ना, और अभी बहन जी ना इसको काटने लग पड़े। पहले ना हमने इसका इसमें ना पानी भर जाता है, इस सब्जी का पहले हमने पानी निकाला ना, उसके बाद अब बहन जी इसको काट रहे हैं छोटे छोटे पीस करके। और ना मैंने यहाँ तड़के की तैयारी कर दी, कढ़ाई में मैंने ना ऑयल डाल दिया, और ये देसी सब्जियाँ जो होती हैं ना इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है, और इस सब्जी में भी ऑयल ज़्यादा डलेगा और टमाटर भी ज़्यादा लगते हैं। इसमें मिर्चियाँ डाल दी मैंने और धनिया थोड़ा सा, तेल तो ज़्यादा ही तो नहीं लग रहा है, नहीं इससे ज़्यादा डालेगा बल्कि। इससे तो 10 सब्जियाँ बन जाएगी, ज़्यादा ही डलता है इसमें तेल। मिर्च रुको, टमाटर मैंने डाल दिया, हल्दी डाल देती हूँ कभी प्याज में कभी टमाटर में। हो गया प्याज में, हो गया नमक डाल दिया, नमक कम है, नमक स्वाद अनुसार। टमाटर ने तेल छोड़ दिया है ना, अभी इसमें सब्जी डाल देती हूँ। मैं जी मैंने अच्छे से काटी है ना सब्जी, हाँ अच्छे से काटी आपने। सब्जी डालने के बाद तड़का कितना कम लग रहा है, तो हो जाएगा थोड़ी देर बाद, कीजिए नहीं होता है। इसमें पानी भी लगाना है, ये पानी तो दे दो ढक्कन ना, थोड़ी देर होने दो फिर। हाँ गाइस, तो अब इसको ना ढक्कन लगा के रख देती हूँ ना, जब सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी फिर दिखाएंगे आपको कि कैसे बने, तब तक रोटियाँ बना लेती हूँ। अभी शाम के ना 7:30 हो गए, और खाना मैंने और बहन जी ने ना खाना बना दिया, और अभी हम मैं और बहन जी ना रसोई में बैठे हैं, क्योंकि हमने सोचा पहले सब्जी दिखा लेते हैं ना, उसके बाद ब्लॉग भी ऐड कर देना है हम। हाँ तो दिखाओ जो ये बनी सब्जी, और ना ये देखने में टेस्टी लग रही है, मैं बाद में देखूंगी। खट्टी मीठी बनी, खट्टी मीठी भी नहीं पर खट्टी खट्टी सब्जी बनी, अच्छी लग रही है देखने में। बहन जी फिर से क्लियर कर दो इस सब्जी का नाम, इस सब्जी का नाम है डेहू, डेहू डेहू बोलते हैं हम, डेहू बोलते हैं इसको। हाँ और तो गाइस अभी ना मम्मी की कॉल आई है, बहन जी ने बोला कि थोड़ी देर चुप रहना, तो मम्मी अभी सुन रहे हैं हमें। हाँ अभी ना हम बाहर हवा में बैठेंगे, सभी मम्मी जी मासी जी अम्मा जी सभी बाहर बैठे हैं हवा में, हम आपको उनको दिखा देते लेकिन बाहर अंधेरा है इसलिए हम दिखा नहीं सकते आपको, जल्दी से बाहर चले जाएंगे। हाँ और बाहर बैठकर मम्मी से बात भी करेंगे और ब्लॉग भी एडिट करेंगे साथ में। तो फिर गाइज आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।